मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता मलिक ब्लॉग्स। आप सबका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ पनीर और धनी के पराठे। बहुत टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। और अब फटाफट चलो शुरू करते हैं। मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी और साथ साथ मैं बना रही हूँ पराठे फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी होती है। आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब दोपहर का समय है और 2:15 हो चुके हैं। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। स्कूल से आने के बाद आज मुझे मिले सरप्राइज़ में चाय बनी हुई, क्योंकि प्रवीण आ गए थे आज मुझसे पहले। और अब चलो चाय के साथ खाते हैं, जो आज मैंने पनीर के पराठे बनाए थे। आज मैं स्कूल में नहीं खा पाई, एज इट इज़ अपना लंच लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी थी आज एग्ज़ाम, CBSE एग्ज़ाम ड्यूटी, तो इस वजह से मैं खाना नहीं खा पाई। और ये देखो मेरे पराठे एज इट इज़ आज आए हैं, बहुत टेस्टी बने हुए हैं। चलो अब चाय के साथ इंजॉय करते हैं। ये देखो मेरी चाय, आज पी रही हूँ वाइट कप में। मुझे कलरफुल अलग अलग कप्स में चाय पीना अच्छा लगता है, तो चलो पीते हैं चाय। हेलो फ्रेंड्स, और अब शाम हो चुकी है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैंने आने के बाद चाय पीने के बाद मैं सो गई थी। और अब करते हैं मलाई वगैरह उतारते हैं दूध की। और देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो मैंने उस दिन घी बनाया था और वो मैंने अभी तक छाना भी नहीं है। अब इसको दोबारा से गर्म करते हैं और छानते हैं। चलो अपना काम करते हैं। फोन क्यों नहीं रुक रहा। और अब बच्चों, शाम हो गई तो बच्चों को दूध दे देते हैं। दूध ही नहीं खत्म होता, ना बच्चे दूध पीते हैं ना दही जम पाती है दूध। कभी शादी में जा रहे हैं, कभी हमारी फैमिली में, मैंने बताया था आपको, हम गए थे अभी, आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, शादी में गए थे तो दूध ही नहीं खत्म हो रहा था। मैं तो पनीर बना बना के भी थक गई थी। अब एक साइड बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ मैं, और एक ये घी गरम करके इसको ठीक करते हैं। अब छुट्टी वाले दिन अगर कहीं जाना पड़ जाता है तो काम ही नहीं खत्म होते हैं, है ना भाई। चलो फटाफट से घी का करते हैं काम खत्म, फिर बर्तन धो के, बर्तन बाद में धोएंगे, पहले करेंगे प्रेस। मेरे सूट बहुत सारे प्रेस के बचे हुए हैं, और क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है कब लाइट चली जाए, तो चलो फटाफट से देते हैं बच्चों को दूध। और फ्रेंड्स अब भरते देते हैं सरसों का तेल। ये देखो भाई, हम सरसों का तेल इकट्ठा एक पीपा ले लेते हैं, फिर वो बॉटल्स में मैं भर के रख देती हूँ। जो बॉटल्स में हम लेते हैं वो पता नहीं ओरिजिनल होता है नहीं होता, ये हम अपना खुद से निकलवा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने 2 बॉटल भर के रख दी हैं, काफ़ी दिन चल जाएंगी, बार बार बॉटल्स नहीं भरनी पड़ेंगी। और अब देखो घी भी निकल के तैयार हो गया है, इसको डाल देते हैं डिब्बे में। ये देखो इसमें मैं इसमें पतीले में छान लेती हूँ, फिर नीचे देखो थोड़ा सा ये रह जाता है, और फिर इसको डेली यूज में यूज कर लेते हैं। देखो बर्तनों का भर दिया है मैंने सिंक, और अब चलते हैं कपड़े प्रेस, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है भाई, ये तो अपने हाथ की बातें बाद में कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ प्रेस, देखो कितने सारे कपड़े हैं मेरे। अब मैं कर रही हूँ शुरुआत बच्चों के कपड़ों से, क्योंकि बच्चों के कपड़े फटाफट से हो जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे कपड़े फटाफट से हो जाएंगे, और लगेगा कि काफ़ी सारे कपड़े कवर हो गए हैं। बस मेरे कुर्ते हैं प्रवीण की, तो मैं दे ही देती हूँ सारे। फ्रेंड्स अब चलते हैं सूट वाली आंटी के पास, उनसे मुझे एक ब्लैक प्लाजो सिलवाना है, वो लेके आती हूँ मैं सिलवा के, तो चलो चलते हैं। ये मैंने बैग ले लिया, इसमें छोटे मोटे रिपेयर के हैं, वो करवा के लाते हैं। मुझे फ़ोन यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिराज की अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो अगर मैं फ़ोन लेके गई तो नेट बंद हो जाएगा, इसलिए मैं जाके भी आती हूँ। फ्रेंड्स देखो कुछ कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, और कुछ अभी भी रह गए हैं। देखो कुछ एक दो कुर्ते मैंने, एक दो अपने ये प्लाजो वगैरह बच्चों के मैंने कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं वो करेंगे बाद में। तो गाइज अब आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी क्लिप्स लगाई हुई हैं, ये क्लिप्स आप देखेंगे। हमने आज बहुत सारी रील्स बनाई हैं, और अभी जल्द ही YouTube पे डालेंगे, तो आप उनको देखना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और रील्स को भी शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें, कमेंट्स आप हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।